आप सभी ने एक्जिमा और डर्माटाइटिस ऐसे वर्ड सुने होंगे शायद आपने ये फेस किया भी होगा इन योर लाइफ टाइम एटोपिक डर्माटाइटिस एक ऐसा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें द स्किन बिकम्स ड्राई इन्फ्लेम्ड रेड एंड इची और इसके कुछ कॉजेज या ट्रिगर्स हैं विच वी शैल बी डिस्कसिंग टूडे टू पुट इट सिंपली थिंक ऑफ स्किन एज अ बैरियर फ्रॉम एवरीथिंग विच इज एक्सटर्नल नाउ एटोपिक डर्माटाइटिस इज समथिंग वेर इन दिस बैरियर गेट्स डिस्ट्रॉयड और नॉर्मली uh, ये बच्चों में होता है बट इट कैन ऑल्सो हैपन इन एडल्टुड एज वेल मैं हूं डॉक्टर असीम शर्मा चीफ डर्माटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन सागा सेंटर मुंबई एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एटोपिक डर्माटाइटिस सो व्हाट आर द कॉजेस और ट्रिगर्स ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस और ए नंबर वन इज अ सीजनल चेंज वेर इन एनी चेंज इन द वेदर इफ द वेदर बिकम्स कोल्ड एंड ड्राई और इफ यू मूव टू अ न्यू प्लेस दिस कैन ट्रिगर एलर्जीज एंड दस एटोपिक डर्माटाइटिस Even prolonged sunlight can damage the skin barrier. Harsh soaps and body washes, which you know strip away the moisture from the top layer of the skin. As a rule, anything with a smell or a or a color, colored products or you know products which have a fragrance, these can trigger atopic dermatitis. Frequent washing, long bathing times, or using very very hot or very very cold water for bathing. Then there are some allergens, such like as pollen, dust, animal hair. Food items such as eggs, nuts, perfumes, fragrances, all of these can also give rise to atopic dermatitis and can also cause allergies of the eyes, the nose, and asthma. So, what are the topical treatments for atopic dermatitis? Now, the main aims for our treatment to treat uh, people with atopic dermatitis is to lock moisture into the skin, to repair the skin barrier, and to reduce the body's reaction or inflammation. सो रिपेयर द स्किन बैरियर लॉक इन मॉइस्चर एंड रिड्यूज द बॉडीज रिएक्शन सो फोकस ऑन इन्ग्रीडियंट लाइक सेरेमाइड्स वन थ्री एंड सिक्स नाउ दीज लॉक मॉइस्चर इन टू द स्किन रिस्टोर द स्किन एंड प्रिवेंट फर्दर वॉटर लॉस फ्रॉम द स्किन लुक फॉर फाइटोस्टेरॉल्स ये इंफ्लेमेशन भी कम करते हैं प्लस दे एक्ट एज गुड सनस्क्रीन द नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज गमल इनोलिक एसिड विच इज एन ओमेगा सिक्स फैटी एसिड